नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मार्केट इवेंट्स के बारे में जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पे इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक पर। सपोज दैट मान लेते हैं कि जो आरबीआई है उसने जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर पे, ठीक है। उसी तरीके से और भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आज हम कुछ जो मेजर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका इम्पैक्ट आपको स्टॉक्स पे देखने को मिलेगा, हम उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने अभी कहा रेपो रेट, हम उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो कि पैसे से रिलेट करती है, यानी मनी से रिलेट करती है। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीज़न लेती है, ठीक है। तो कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट तौर पर आपको किसी न किसी सेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट आम तौर पे देखा जाता है जितने भी डिसीज़न लेती है वो मनी से रिलेटेड होता है ना। तो कोई ना कोई मॉनेटरी पॉलिसी आपको नहीं देखने को मिली जाती है कि अच्छा कि अब गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आ रही है, इसके तहत आपको ये मिलेगा। तो देखिए, तो उनमें से एक एक्टिविटी है आरबीआई रेट्स। अब गवर्नमेंट का जो भी डिसीज़न हो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पूरी पूरी इकोनॉमी पे। अगर आरबीआई रेपो रेट या फिर जो रिवर्स रेपो रेट है अगर उसको बढ़ाती है या फिर घटाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो पहले तो हमें समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट होता क्या है? देखिए, ये है पंजाब नेशनल बैंक और ये हमारी है आरबीआई, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, देखिए बैंकों को भी कभी कभार पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट लेगा, ठीक है। अगर पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक अगर आरबीआई से लोन लेता है तो आरबीआई कोई ना अब आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना। तो जितना भी इंटरेस्ट रेट वो पीएनबी से लेगा यानी पंजाब नेशनल बैंक से लेगा उसे हम बोलेंगे रेपो रेट। तो यानी हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके तहत जो बैंक है वो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करती हैं जो उन्होंने आरबीआई से लोन लिया है। तो अगर पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और पंजाब नेशनल बैंक को 6% इंटरेस्ट रेट पे करना है आरबीआई को, यानी कि रेपो रेट कितना हो गया? 6%, ठीक है। अब ये सोचिए कि अगर पंजाब नेशनल बैंक ने 6% पे आरबीआई से लोन ले रखा है 1 लाख रुपए, तो बैंक आमतौर पे क्या करती है? बैंक आमतौर पे वो वही पैसा हम लोगों को लोन पे देती है। तो अब ये खुद सोचिए कि क्या पंजाब नेशनल बैंक आपको ये जो 1 लाख रुपए है वो 6% इंटरेस्ट रेट पे देगी? नहीं, वो इससे ज़्यादा भी देगी ना, 8%, 10%, 12%, ठीक है। तो यानी कि अगर रेपो रेट अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अब आरबीआई ने रेपो रेट अप कर दिया 8%, तो वो आपसे कितना लेगी? तो पंजाब नेशनल बैंक आपसे कितना लेगी? 10, 12, 15। यानी रेपो रेट अगर बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हमारे ऊपर देखने को मिलेगा क्योंकि वही पैसा तो हम लोन पे लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक से, ठीक है, जो बैंक होते हैं उनसे पैसा उधार लेती है यानी लोन पे लेती है। तो अगर आरबीआई किसी और बैंक से अगर लोन पे ले रही है पैसा, ठीक है, तो यानी कि आरबीआई को भी क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। तो जब आरबीआई किसी और बैंक से पैसा लेती है, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर
SBI हो गया, तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट पे करेगी तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे उसको? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया? ठीक है। तो रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। अगर देखिए रेपो रेट हमारी बढ़ गई, ठीक है, रेपो रेट हमारी बढ़ गई यानी जिस पर RBI बैंकों को लोन देती है, तो यानी कि जो ये जो बैंक्स हैं ये भी क्या करेंगे, ये हमें लोन देंगे लेकिन ये हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर RBI रेपो रेट अगर कम कर देती है तो हमें भी जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या इससे फ़ायदा है या फिर नुकसान है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि रेपो रेट है हमारा 4%, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक RBI से लोन लेगा कि भाई हमें पैसा दे दो, ठीक है। अब अगर रेपो रेट अगर 4% है तो बैंक हमसे कितना चार्ज करेगा? 6%, 8%, 10%, यानी हमको सस्ता मिल रहा है, तो यानी लोग ज़्यादा ज़्यादा लोन लेंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा लोन लेने का मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में जो कैश है वो ज़्यादा होगा। अगर लोगों के हाथ में कैश ज़्यादा है तो ये बताइए कि क्या चीज़ों के प्राइस कम होंगे या फिर बढ़ेंगे? अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? सिंपल सी बात है, बढ़ेंगे ना। अब दूसरी तरफ अगर यहीं पर रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट अगर 8% कर दिया जाए, तो बैंक अब हमसे कितना लेंगे इंटरेस्ट रेट? अगर यही पैसा हम लेते हैं लोन पे तो 10%, 12%। तो ये बताइए कि क्या लोग लोन ज़्यादा लेंगे अगर उनको 10% या फिर 12% पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट पे? तो नहीं लेंगे ना। तो अगर वो लोन नहीं लेंगे मतलब उनके पास कैश कम होगा, अगर कैश कम होगा तो यानी कि वो खर्चा कम करेंगे, तो खर्चा कम होगा तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो रेपो रेट का बढ़ना और घटना दोनों ही मतलब वहाँ पे आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और नेगेटिव भी, तो उसको एक बैलेंस में लेके चलना RBI के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रा सा भी ऊपर नीचे गया यानी कि ये बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको पूरी इकोनॉमी में इम्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो भी अच्छा खासा, ठीक है। तो आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप बैंक के पास गए और बैंक से आपने बोला, ये रहे आप, ठीक है, आपने बोला कि सर मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक आमतौर पे कहता है कि देखिए कि या तो 3,000 रुपये या तो 1,000 रुपये आपको अकाउंट में मेंटेन करके आपको रखने होंगे। वैसे तो आजकल ज़ीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुल जाता है, लेकिन कई बार आपसे बोला जाता है ना कि हाँ कि आपको 3,000 रुपये तो आपको मेंटेन करके रखना ही रखना है, ठीक है, या फिर अगर आप जो बड़ी जो बैंक है जो प्राइवेट बैंक अगर वहाँ पर जाते हो तो मिनिमम 10,000 रुपये आपको मेंटेन करके बैलेंस मेंटेन आपको करके चलना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो RBI है वो बैंकों से कहती है, बैंकों से कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी कैश है उसमें से थोड़ा बहुत आपको हमारे पास रखवाना होगा। अब वो थोड़ा बहुत कितना होगा तो वो हमें पता चलता है कैश रिजर्व रेशियो से, कैश रिजर्व रेशियो से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो है 10%, ठीक है, तो यानी कि बैंक के पास जितना भी कैश होगा उसका 10% वो कहाँ रखवाएगी? वो RBI के पास रखवाएगी। अब ये रखवाना ज़रूरी क्यों है? देखिए, मान लेते हैं अगर बैंक अगर डूब जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो बैंक के जो कस्टमर होंगे उनको भी तो पैसा देना पड़ सकता है ना, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से समझ लो अब ये सेफ्टी हो गया। अब इसका देखो, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव भी है। अब अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर ज़्यादा होगी, मान लेते हैं अगर 20% होगी, तो यानी कि ज़्यादा ज़्यादा पोर्शन किसके पास चला गया? RBI के पास चला गया, उनके पास रखा हुआ है, तो ये लोन दे पाएंगे कम, और अगर लोन अगर कम दे पाएंगे तो स्पेंडिंग लोगों की कम होगी, मतलब लोगों के पास कैश कम होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहाँ पर रुकने के चांसेस है। तो इसको भी मेंटेन करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो कैश रिजर्व रेशियो निकालने के एक मेथड होता है, ठीक है, तो जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो आई होप आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। देखिए, डेली हम डेली बेसिस पे जो भी हम चीज़ें हम खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो मिल्क हो, ठीक है, या फिर ब्रेड हो, दूध हो, दही, कुछ भी हो, अब आपने देखा होगा कि पहले उसका प्राइस कुछ और था और अब उसका प्राइस कुछ और हो गया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, मतलब महंगाई बढ़ गई है। रुपए, यानी जो हमारी मनी थी, जो हमारा पैसा था, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू कम हो गई। चीज़ों का प्राइस बढ़ गया लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो अगर इन्फ्लेशन अगर 6% है, अगर इन्फ्लेशन 6% है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी अपने पास 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू 6% से कम हो जाएगी, यानी कि 94,000 हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 94,000 से कम हो गई। क्यों? क्योंकि 6% से बाकी चीज़ों की प्राइस बढ़ गए होंगे। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको अपना पैसा कहीं ना कहीं आपको काम पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपको रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट या फिर इन्फ्लेशन रेट अगर चेक करना है, तो आप RBI की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको जो रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? देखिए, ये भी एक तरीके का इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स, निफ्टी, वो क्या बताता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट में ग्रोथ है या फिर नहीं। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके का इंडेक्स है। तो अब ये इंडेक्स क्या बताता है? अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, और ये नीचे जा रहा है तो क्या होगा? तो पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। द WPI यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स द मूवमेंट इन प्राइजेस एट द होल सेल लेवल। तो WPI क्या करता है? वो ये बताता है कि होल सेल लेवल पर चीज़ों का जो प्राइस है वो कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। यानी जैसे आप मंडी में अगर आप सब्जी लेने जाते हो और आपने 5 KG आपने आलू ख़रीदा, ठीक है, तो यानी होल सेल प्राइस पर चीज़ों का जो प्राइस है वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। इट कैप्चर्स द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, और ये इंडेक्स ये देखता है कि होल सेल लेवल पर चीज़ों का प्राइस बढ़ा है या घटा है। वैन दे आर सोल्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एज अपोज टू एक्चुअल कंज्यूमर्स। अब देखिए, अब आम तौर पे होता क्या है कि जो होलसेल पे जो प्राइस वगैरह होता है वो कौन खरीदता है? वो आमतौर पे खरीदते हैं जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वही खरीदते हैं ना, क्योंकि जो कस्ट जो नॉर्मल जैसे हम और आप हैं, हम और आप क्या करते हैं, हम और आप सिंगल क्वांटिटी हम बाय करते हैं। तो हम अभी सिंगल क्वांटिटी की हम बात नहीं कर रहे, हम होल सेल लेवल पर हम देख रहे हैं। WPI इज़ एन ईजी एंड कन्वीनियंट मैथड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। तो WPI एक ईजी मैथड है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है फिर कितना घट रहा है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कुछ ऐसे किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो डेली बेसिस में चीज़ें हम बाय करते हैं, उनके 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 प्राइस में इनके उनका प्राइस बढ़ना, ठीक है, उसका पता लगाने का तरीका यह है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सन 2010 में दाल थी 50 रुपये की, ठीक है, अरहर की दाल ले लेते हैं, और सन 2020 में वो 80 रुपये की हो गई। तो आप मुझे बताइए कि कितना परसेंट चेंज आया है, कितना परसेंट इसमें चेंज आया है। देखिए, अगर ये
100% था, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा 80 है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो हमारा चेंज आया वो 30 रुपये का चेंज आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि अराउंड ये 60% प्राइस बढ़ गया है। पहले 50 रुपये मिलती थी दाल, अब मिल रही है 80 रुपये की, तो हम कह सकते हैं कि लगभग क्या आता है 60% जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 5 to 6%। ये कैसे? तो अब यहाँ पर एक चीज़ और लीजिए, देखिए अगर हम नमक का प्राइस लें तो नमक क्या होगा, नमक पहले क्या था, पहले मान लेते 10 रुपये बिकता, पहले बिकता था 15 रुपये का, अब बिक रहा है 18 रुपये का, तो चेंज कितना आया, सिर्फ 3 रुपये का। तो उसके हिसाब से देखो तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो और कम हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हम सभी चीज़ों को हम प्राइस लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब उनका जो होलसेल प्राइस होता है और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तब जाकर जो इन्फ्लेशन है हमारा कैलकुलेट होता है। तो अगर WPI अगर ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि होलसेल प्राइस के जो होलसेल पे जो चीज़ें हैं उनका प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर वो कम हो रहा है तो यानी कि इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर कितना कंज्यूम करने के लिए रेडी है, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करने के लिए रेडी है। देखिए अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कंज्यूमर क्या आते हैं, वो ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। तो अब अगर जैसे मान लेते हैं ये अगर 50, पहले 50 था ये, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहले 50 था, अब ये 70 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर ज़्यादा ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर यहीं से जा रहा है तो समझ जाइए कि कंज्यूमर वो रुक गए हैं, वो सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। द CPI ऑन द अदर हैंड कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइजेज एट रिटेल लेवल, यानी कि अगर हमें रिटेल लेवल पे देखना है कि प्राइस में कितना चेंज आया है, ठीक है, देखिए होलसेल लेवल का तो हमको पता लग गया, लेकिन अगर हमें रिटेल लेवल पे देखना है तो हमें CPI देखना पड़ेगा। तो CPI में ये बताता है कि चीज़ों के प्राइस में कितना चेंज आया है। देखिए अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास, लोग ज़्यादा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना। एज ए कंज्यूमर CPI इन्फ्लेशन इज़ वॉट रियली मैटर्स, द कैलकुलेशन ऑफ CPI इज़ क्वाइट डिटेल एज इट इन्वॉल्व्स क्लासीफाइंग कंजम्पशन इन टू वेरियस कैटेगरीज। तो CPI की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, चीज़ों की और जो कस्टमर होते हैं उनकी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जो कंज्यूमर है वो बहुत सारी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है। ईच ऑफ दीज कैटेगरीज मेड इन टू एन इंडेक्स, ठीक है, अब इन कैटेगरी की मदद से ही ये इंडेक्स बना जाता है, कौन सा, CPI। दिस मीन्स द फाइनल CPI इंडेक्स इज़ ए कंपोजिशन ऑफ सेवरल इंटरनल इंडिसेस। तो इस, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि जो हमारा फाइनल जो CPI इंडेक्स होता है उसमें बहुत सारी जो इंटरनल जो इंडिसेस होते हैं उनकी भी हम हेल्प लेते हैं। जैसे अब देखिए, अब मुझे अगर ये पता करना है कि कंज्यूमर कितना रेडी है बाय करने के लिए चीज़ों को, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा कि वो नॉर्मल चीज़ें वो कितनी बाय कर रहा है, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ब्रेड मक्खन वगैरह, और लाइफ स्टाइल पर वो अपना वो कितना पैसे खर्च कर रहा है, जैसे मूवीज़ वगैरह के लिए, ठीक है, और वेकेशन वगैरह के लिए, और कार वगैरह, ठीक है ना, तो उसमें अलग अलग सेक्टर भी अब इन्वॉल्व हो गए, टेलीकॉम पे वो कितना खर्च कर रहा है। अब एक डिपार्टमेंट है जो उसकी रिपोर्ट महीने की जो सेकंड वीक होता है उसमें पब्लिश करता है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, NMOSPI।
तो ये क्या करती है, ये महीने की हर सेकंड वीक में ये सीपीआई की जो रिपोर्ट है वो अनाउंस करती है। अब फिर आता है हमारा आईआईपी, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये इंडेक्स ये बताता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। देखिए, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो कंज्यूमर वो ज़्यादा ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इससे पता क्या चलेगा, तो ये बताता है कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है या फिर ग्रो नहीं कर रहा है। अगर देखिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम यूजुअली हम ये मानते हैं कि हाँ कि ग्रोथ हो रही है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ ए शॉर्ट टर्म इंडिकेटर। ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग। तो ये एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है जो ये बताता है कि हाँ कि एक कंट्री में जो एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। द डाटा इज़ रिलीज्ड एवरी मंथ। तो ये जो डाटा है ये आपको हर महीने आपको देखने मिल जाएगा अलोंग विद इन्फ्लेशन डाटा। इन्फ्लेशन मतलब कितना बढ़ रहा है कितना कट रहा है। अब ये भी कौन अनाउंस करता है, ये वही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एज अ नेम सजेस्ट द आईआईपी मेजर्स द प्रोडक्शन इन द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कीपिंग ए फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अब इसके बाद है हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी पीएमआई। द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच ट्राइज टू कैप्चर द बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर इन द कंट्री। दिस इज़ ए सर्वे बेस्ड इंडिकेटर। दिस इज़ ए सर्वे बेस्ड इंडिकेटर वेयर द रिस्पोंडेंट्स यूजली द परचेजिंग मैनेजर्स इंडिकेट देयर चेंज इन बिजनेस परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मंथ। ए सेपरेट सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द सर्विस एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। द डाटा फ्रॉम सर्वे इज कंसोलिडेटेड ऑन ए सिंगल इंडेक्स। टिपिकल एरियाज कवर्ड इन द सर्वे इंक्लूड फैक्टर्स सच एज न्यू ऑर्डर्स, आउटपुट, बिजनेस एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट अदर्स। तो ये इंडेक्स ये बताता है कि एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है या फिर कैसे उसके जो बिजनेस ओनर्स हैं वो किस हिसाब से अपने अपने जो बिजनेस हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है, और क्या वो नेक्स्ट मंथ या फिर आने वाले फ्यूचर में क्या उनकी प्लानिंग है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर आम तौर पे सिर्फ दो ही सेक्टर इंक्लूड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो इनका ही डाटा आमतौर पे लिया जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है तो सिंपल बात है कि जो ट्रेडिंग है वो भी ज़्यादा हो रही होगी, तो इसलिए जो ट्रेडिंग है उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो अब यहाँ पर यानी कि देखिए, अगर ये इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है, अगर ये इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हाँ कि जो उसके बिजनेस मैनेजर वगैरह हैं, ठीक है, उनको अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है, उनके जो फ्यूचर प्लान है वो भी बहुत ही मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट कंडीशन है उसी को देखे वो लोग फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। तो अगर ये बढ़ रहा है तो फिर ये अच्छी बात है, और अगर ये कम हो रहा है तो फिर ये थोड़ी सी खतरे की घंटी है, ठीक है। तो ये कुछ मार्केट इवेंट्स थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें एक इवेंट और है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स होता क्या है, हर 3 महीने में यानी हर मतलब क्वार्टरली कंपनी अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अनाउंस करती है, ठीक है। तो
हर 3 महीने में जब ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अनाउंस करती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कि मतलब कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स उन्होंने अनाउंस की है। तो ये जो ये आपको आमतौर पे 3 महीने पे को 3 महीने पे आपको देखने मिलती है। तो उनकी जो अब यहाँ पर ना जो मैनेजमेंट होता है वो भी बैठता है, वो बताता है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, ठीक है, और कैसे उन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई और क्या इनके फ्यूचर प्लान हैं। तो ये तो इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, देखिए इसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी होती है, तो आप उसको सुन सकते हैं, और अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको वो रिटर्न में भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी कंपनी का अगर अगर आपने शेयर अपने बाय कर रखे हैं, तो आपकी उसकी जो कॉन्फ्रेंस अर्निंग कॉल है आप उसको सुने, तो उससे आप और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये थी कुछ मेजर एक्टिविटीज़ जिसको जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री कर रहे हो। मतलब सिर्फ कंपनी का डाटा आप एनालाइज करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको उसकी जो इंडस्ट्रीज़ है आपको उस पर फोकस करना है, और जो मार्केट इवेंट्स हैं आपको उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, आई होप गाइस आपको ये जो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है वो आपको पसंद आई हो। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी वीडियो से रिलेटेड, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या फिर NISM के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।